हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टैंडर्ड सिक्स का प्रैक्टिस सेट 29 करने जा रहे हैं। तो हम इसका डायरेक्टली क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला है 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 360। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट 16 मीटर क्लॉथ का प्राइस निकालना है। सो एक क्वेश्चन में देखो कैसे क्या करना है, हमें जो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो पहले लिखनी है। 20 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना बोला है, तो यहाँ पे लिख देना है 20 मीटर क्लॉथ कॉस्ट कितना दिया है 360। और हमें 16 मीटर का पूछा है, तो 16 मीटर का पता है क्या हमें, नहीं है। देयरफॉर या सपोज या लेट लिख सकते हो, सपोज 16 मीटर क्लॉथ कॉस्ट बी एक्स। हमें क्या करना है, एक्स कंसीडर करो, वाई करो, के करो, कुछ भी करो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने एक्स कंसीडर किया है, तो अभी हमें क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है। देखो एक साइड पे आपको मीटर लिखना है, क्लॉथ इन मीटर, क्लॉथ इन ब्रैकेट मीटर, और दूसरी तरफ आपको रुपीस का साइन करना है। रुपीस का साइन देखो, ये रुपीस का साइन होता है, आप रुपीस मीन्स लाइक ऐसे, ठीक है। रुपीस की जगह आप ये सिंबल भी लिखते हो तो भी चलेगा, इधर ये लिखो नहीं तो ये, जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन प्लस को ऐसे लिखते हो, प्लस नहीं लिखते हो, माइनस को डायरेक्टली एक लाइन खींचते हो, माइनस पूरा वर्ड नहीं लिखते, मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, तो वैसे ही डिविजन को ये साइन है, ये सिंबल्स है, वैसे रुपीज का सिंबल ही है, तो इंस्टेड ऑफ रुपीज आप ये सिंबल लिख सकते हो। चलो ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, क्लॉथ लिखना है। पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन 20 मीटर क्लॉथ का दिया था कितना है, 360 दिया था, तो हमें 16 मीटर का करना है। अभी देखो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छी तरह से समझो, ठीक है। 16 मीटर का हमें पता नहीं, सॉरी, तो अच्छी तरह से समझना है। ये x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके सामने वाला जो है अपोजिट साइड में, इंटू 20। ये मल्टी, ये एक्स है मल्टीप्लिकेशन, बहुत लोग ये एक्स ऐसे लिखते हैं, एक्स को ऐसे मत लिखो, एक्स को ऐसे फाइंड, ओके, ऐसे लिखो, ठीक है, एक्स ऐसे मत लिखो, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है, आधा इधर से करो, आधा इधर से, नहीं तो ऐसे सीख लो आप, एक आधी आधा इधर से और आधा फिर इधर से एक्स करने का सोच, ये सीखो अभी से, अभी अभी आप सिक्स स्टैंडर्ड में गए हो तो आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है, देन बाकी बचे क्या, 360 इंटू 16, अभी क्या करना है कि ये x अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, मैं इस साइड में लिखता हूँ, ठीक है, ये x अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, ये 20 इधर का, ये मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में जाएगा, 360 इंटू 16, ये ऊपर जैसे का वैसा, ये 20 नीचे जाएगा, एक जीरो गया, एक जीरो गया, टू वन, टू वन जा टू, टू एट जा, तो 360 गुनी इंटू 8, 16 इंटू 8, तो थर्ड सॉरी 36 इंटू 8, ये क्या मल्टीप्लिकेशन करो, 36 इंटू 8 288, हमें 16 मीटर क्लॉथ का प्राइस मिल गया। देयरफॉर 16 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज रुपीज, रुपीज का सिंबल 288, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया, तो हमें अभी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 केजी राइस, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 केजी राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 10 केजी इज 325। अभी देखो यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में दिया था कि इतने इसका इतना प्राइस है, यहाँ पे हमें सेकंड लाइन में दिया है, देखो कॉस्ट ऑफ 10 केजी इज 325, ये केजी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, 10 केजी का प्राइस क्या दिया है उन्होंने, 10 केजी का ये पहले दे दिया है, बाद में दे दिया है, तो हम आंसर में क्या करेंगे, आंसर करते समय हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है वो पहले लिखना है,
एट के जी का हमें पता नहीं है, 10 kg का हमें पता है, तो हम क्या करेंगे 10 kg कॉस्ट ऑफ, या जो भी कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस कितना दिया है 325। तो हमें 8 kg का नहीं पता है, देयरफॉर या सपोज 8 kg राइस प्राइस हमें क्या करना है, x एज्यूम करना है, या आप x की जगह हम दूसरा भी एज्यूम कर सकते हैं, y कर लेंगे अभी इस क्वेश्चन में। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो अभी देखो यहाँ पे राइस kg एक साइड में लिखेंगे हम, और जो उसकी प्राइस जो है रुपीज में वो अगली जगह पे लिखेंगे। एक ये पार्ट है, ये ओनली रुपीज लिखा तो भी चलेगा, कोई मैटर नहीं। 10 kg का आपको प्राइस पता है 325, 8 kg का हमें पता नहीं। 8 kg का कितना है y हमने कंसिडर किया है, 8 kg का कितना किया y, तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके अपोजिट में जो है y, ओके क्रॉस करना है, सीधा नहीं करना है, y इंटू 10, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 325 इंटू 8। अभी क्या करना है हमें, ये जो 10 है मल्टीप्लिकेशन को उसको नीचे लेके जाना है डिवीजन को। तो हमने क्या किया है, y इक्वल्स टू 325 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8, मीन्स ये एज इट इज रखा मैंने, और ये 10 है क्या किया मैंने इधर डिवीजन में लेके गया। अभी थोड़े कैलकुलेशन अगर आपको डायरेक्टली नहीं आ रहे तो सिंपल, पहले क्या करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, तो मल्टीप्लिकेशन करते हुआ तो अभी मल्टीप्लिकेशन किया है, अगर आपको डिवीजन डायरेक्टली आता है 5 से फिर 2 से जाता है तो भी आएगा, इसको 2 से जाएगा, इसको 2 से इधर 5 आएगा, इधर 4 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 ओके 16 प्लस 20 है तो कैरी हुआ 24 26, 2600 डिवाइडेड बाई 8, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2600 आया और डिवीजन में 10 है, तो यहाँ पे एक नीचे जीरो एक ऊपर जीरो, एक नीचे ऊपर जीरो होता है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, देखो लास्ट में जीरो होना चाहिए बीच पे नहीं। तो हमारा ये y इक्वल्स टू कितना है, ये गया 260 है, कितना है 260। तो अभी हम क्या करेंगे, एक कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस, कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इक्वल्स टू 260 रुपीज। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो अभी हम, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप क्वेश्चन बुक में है, बुक में देखते जाओ, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो फिर आंसर लिखो, ठीक है। मैं जो मेन चीजें है वो तो सब लिखूंगा मैं, ठीक है। देखो ये 14 चेयर कॉस्ट, तो 14 चेयर का कॉस्ट उन्होंने दे दिया है, जो दिया है वो लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है, 14 चेयर जैसा है वैसा ही लिख रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूं। 14 चेयर कॉस्ट मतलब कीमत, चेयर मतलब खुर्चियों की, ठीक है, खुर्ची चेयर, ठीक है, 5992। तो हमें 12 चेयर का बोला है, तो 14 चेयर का हमें पता है, तो 12 चेयर हमें पर खरीदने का है तो कितने में मिलेगा, therefore 12 चेयर, ओके सपोज 12 चेयर कॉस्ट बी एक्स, तो हमें 12 चेयर का क्या करना है, एक्स वाई, पीछे एक्स भी लिया वाई भी लिया, अभी के लेंगे हम, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो 12 चेयर का कॉस्ट हमने क्या किया कि अभी देखो हमें पता है यहाँ पे चेयर है और यहाँ पे है उसका कॉस्ट रुपीज में, ठीक है, कॉस्ट है रुपीज में। चेयर कितना था, 14 चेयर का हमें पता है 5992, और 12 चेयर का हमें नहीं पता है, जो कि है हमने एज्यूम किया है के, ठीक है, हमने एज्यूम क्या किया है के। तो अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 14 गुने ले के 12 गुने ले 5992 इंटू 14। अभी क्या करना है, देन उसके बाद क्या करना है, ये जो 14 है वो नीचे जाएगा, k इक्वल्स टू 5992 इंटू, ये जो 14 है
सॉरी कोई कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, ये 12 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले लिखना है केक के अपोजिट साइड में, और फिर इन दोनों का 12 है। सो ये आप हमारा 12 है और ये 14। देखो इसको 2 से जा सकता है, इसको 2 से, दोनों इवन नंबर है, तो 2 से 1 जा 2 6 जा। अभी देखो इसको इससे डिवीजन पक्का जाता होगा, इसको इससे डिवीजन होता होगा, तो हम पहले डिवीजन करके देखेंगे आप, ठीक है। 5992 और यहाँ पे 7 56 8 3 कैरी हुआ 35 5 42 42 आता है डायरेक्टली 6 नंबर को। सो तो हमारा k इक्वल टू कितना है, इन दोनों को डिवाइड किया हमने, सो 856 इसका आंसर आया 1। ये 856 इसका डिवीजन किया इन दोनों का, तो 856 इंटू 6 करना है, 856 इंटू 6 किया हमने, तो हमारा आंसर जो आएगा इंटू 6 36 कैरी 3 हुआ 33 हुआ 48 51। तो हमें जो उन्होंने 14 चेयर्स का लिया था 9992 और जो हमारा 12 के का आया है, के इक्वल्स टू कितना है 5136, ठीक है। तो फिर देयरफॉर हमें सेंटेंस लिखना है, 12 चेयर कॉस्ट ₹5136। तो ये हमारा 12 चेयर का कॉस्ट आ गया। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इतना लिख लो, थोड़ा 2 मिनट। फोर्थ वाले क्वेश्चन का है आंसर, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको बुक में देखना है, पेज नंबर 60 है। ओके, बिना क्वेश्चन पढ़े आप मत स्टार्ट करो, ठीक है। उसके अगर वर्ड्स नहीं आते तो वर्ड्स जाके देखो डिक्शनरी में और सॉल्व, फिर इजीली समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन समझ में आए फिर आंसर इजीली समझ में आता है। तो यहाँ पे वेट ऑफ 30 बॉक्सेस, ओके, वेट ऑफ 30 बॉक्सेस 6 kg दिया, तो 30 बॉक्सेस है ऐसे, ओके, उसका वेट कितना है हमें 6 kg, तो हमें 1080 बॉक्सेस का वेट हमें फाइंड आउट करना है, ओके। सपोज 1080 बॉक्सेस वेट ऑफ लिखा, सपोज वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस, देखो एज इट इज मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे सपोज लिख रहा हूँ, एज इट इज सेंटेंस लिख रहा हूँ, और यहाँ पे बी लिख रहा हूँ हम अभी यक्स, ठीक है। तो हमें पता नहीं है ओके इतने बॉक्सेस का कितना है, तो यक्स, तो अभी हम यहाँ पे बॉक्सेस लिखेंगे और यहाँ पे केजी कितना किलो, ठीक है। बॉक्सेस से आपके 30 बॉक्स का उन्होंने दिया था 6 kg, और हमें अभी बॉक्स कितने बॉक्सेस है 1080 बॉक्सेस है इसका हमें पता नहीं, तो हमने एज्यूम किया है यहाँ पे यस। तो अभी देखो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और इन दोनों का 30 × x इन दोनों का करना है 6 × 1080। पहले ये लिखो या ये लिखो कोई फर्क नहीं रहता, ये लिखो या ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। उसके बाद हम यक्स अपनी जगह पे रखेंगे, ये 6 और ये भी अपनी जगह पे लिखेंगे, ये जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन है वो इस साइड में जाता है, हमारा डिवीजन होता है। देखो तो कैलकुलेशन हमें लगता होगा बहुत बड़े है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, लग रहा है बड़ा ही कैलकुलेशन। ये 1 0 कैंसिल करना है, यहाँ का 1 0, बीच का 1 0 कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ का 0 करते हैं,
तो लास्ट वाली में जीरो है तो ही कैंसिल आउट होता है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे सिक्स है, ये दोनों भी थ्री के टेबल में आते हैं। तो थ्री के पाड़ी में आकर थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, ये दो यहाँ पे बचा और यहाँ पे 108। तो 2 × 108 अगर करेंगे हम, 108 × 2 किया 6, 16, 2 तो कितना है हमारा 216। देयरफॉर हमें 10 जो बॉक्सेस वेट या वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस इज बॉक्सेस वेट इज कितना है 216 kg। ठीक है, इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन पे जाएंगे, काफी आसान टॉपिक है। ठीक है, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज एक लाइक करो। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, एक जो छोटा सा बटन दबाना है आपको, लाइक हो जाता है। तो लाइक करने से क्या होता है कि हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो और भी अच्छी तरह से वीडियो बनाई जाए। तो लाइक करना पक्का मत भूलो और चैनल को सब्सक्राइब करो, तो अगले आने वाले जो वीडियोज है वो भी आपको मिल जाएंगे। मैथ साइंस साइंस के जितने भी वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। चलो अभी ये देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे दिया, देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है उसने कि कार ट्रैवल, कार है उसकी स्पीड है, ओके, यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर 3 आवर्स में जाती है, ओके, एट द सेम स्पीड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। और दूसरी बार अगेन बोला है उसने तो वो हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 8 आवर्स। तो यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे, तो कैसे सॉल्व करना है चलो देखते हैं। स्पीड ऑफ कार, कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ, कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ओके। तो हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, उसने एक पूछा है, क्या पूछा है पहला प्रश्न पर उन्होंने पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है उसने कि हाउ लॉन्ग, तो 300 डिस्टेंस कवर करने, 330 डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना आवर्स लगेंगे। सपोज फॉर 330 डिस्टेंस इट टेक कितने आवर लेगा, समझो हम एक आवर लेंगे। और दूसरा दिया है इन 8 आवर्स, उन्होंने पूछा है 8 आवर्स में कितना ट्रैवल करेंगे। तो सपोज इन 8 आवर्स कार ट्रेवल 1 किलोमीटर, तो एक में आपको आवर्स निकालना है, दूसरे में किलोमीटर निकालना है। देखो दोनों भी काफी इजी है, आप एक हमारा फंडा सिंपल याद रखो। ठीक है, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे, सिंपल है। देखो तो पहले हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कार के किलोमीटर और यहाँ पे लिखेंगे आवर्स, यहाँ पे भी हम किलोमीटर लिखेंगे और आवर्स लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा स्मॉल लिखेंगे हम, किलोमीटर है, केजी नहीं है, किलोग्राम होता है केजी, किलोमीटर। ठीक है, अभी हमें जो दिया है 165 किलोमीटर और 3 आवर्स थ्री दिए। तो पहला क्वेश्चन दिया, देखो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, तो किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखना है। ठीक है, किलोमीटर डिस्टेंस, तो ये किलोमीटर है, तो हम ये किलोमीटर के नीचे लिखेंगे, आवर्स के नहीं नीचे लिखेंगे। ठीक है, 330 और यहाँ पे हमने एक साइजन किया, सेम मैं आपको यहाँ पे सिमिलर करता हूँ, देन कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये इक्वेशन वापस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, दो बार समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है वो आवर्स दिया है, यहाँ पे 8 आवर्स, यहाँ पे किलोमीटर नहीं दिया। देखो इस क्वेश्चन में किलोमीटर दिया है तो आवर्स निकाल,
इस क्वेश्चन में आवर्स दिए हैं, तो आवर्स के नीचे आवर्स लिखा और किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, ठीक है किलोमीटर, तो आवर्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमने आयतन क्या किया, वाई किया, यहाँ पे एक्स किया था, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का करना है, पहले वाई इंटू 165 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉरी वाई इंटू 3 और 165 इंटू 8, या इन दोनों का वैसे सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे 165, पहले एक्स वाले जो टर्म्स है मैं उसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो आपको लगेगा सर कभी इस साइड का पहले लिख रहे हैं इस साइड का, कोई मैटर नहीं करता, पहले जो एक्स के साथ है उससे मैं मल्टीप्लाई, वाई के साथ है उसको पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, देन दूसरी साइड कर रहा हूँ, 330, चलो अभी हम कैलकुलेशन, ये एक्स अपनी जगह पे रहेगा, ये 3 × 330 और ये 165, अगर आप देखोगे ना, ठीक है, आप कैलकुलेशन करोगे इसका डबल ही है, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मीन्स ये 2 के पहाड़े में ही आता है, ठीक है, इसका डबल ही है, नहीं तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगेन डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर आप अगर थोड़ा सोचोगे तो इसका डबल ही है, तो इसको 1 करो इसको 2 करो, इसका डबल ही है, ठीक है, यार आपको कैलकुलेशन करना ही है आपको, सो 330 और 165 आप साइड में ले लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो 31 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करो 6 आएगा, 33 आएगा, सॉरी और 3 आएगा 66 और 11 से डिवाइड होगा, 11 के टेबल में 6 नंबर से आया 3 नंबर और इसको 3 से आया यहाँ पे 2, तो आप डिवीजन भी कर सकते हो 1 1, ठीक है, नहीं आता है तो फिर आपको थोड़ा सा, अगर उन्होंने कैलकुलेशन काफ़ी इजी दिए होते तो आप थोड़ा सोचो अगर वो टेबल में आता है क्या, इधर इसके टेबल में आएगा नहीं तो इसके टेबल में, सो आया ये 3 × 2 ये 6, सो 330 किलोमीटर्स के लिए, तो फॉर 330 किलोमीटर ट्रैवल इट टेक्स 6 आवर्स, तभी हमें ये करना है, ये इधर जाएगा डिविजन y बराबर इक्वल्स टू, देखो इसको डिवाइड करना है आपको, वो ऐसे करते हो ना आप, ऐसे करो तो ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा वीडियो को ज़्यादा लगेगा इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 5 1 क्या हुआ 15, तो 55 × 8, सो 55 ये 3 से मल्टीप्लाई करना, 55 × 8 4 4 4 40 4, देयर फॉर इन 8 किलोमीटर्स, इन 8 किलोमीटर 8 आवर्स कार ट्रेवल 440 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलो हम चीज अभी 6th 7th वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, सॉरी 5th हो गया, 6th वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैक्टर यूजेस अप टू 12 लीटर ऑफ डीजल व्हाइल प्लोइंग 3 acres ऑफ लैंड, हाउ मच डीजल विल बी नीडेड टू प्लो 19 acres ऑफ लैंड, तो 12 अगर लीटर अगर वो डालते हैं ट्रैक्टर में तो वो 3 acres तक लैंड क्या कर सकते हैं, नांगर नहीं बोलते मराठी तो नांगर सकते हैं, तो अगर हमको 19 acres ये करना है तो उसको प्लाव करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, सो यहाँ पे हमें 12 liters प्लाउंग 3 acres लेना, तो हमें क्या करना है, कितना एकर्स करना है, देखो हमें करना है 19 acres ऑफ लैंड रिक्वायर्ड
रिक्वायर की जगह आप नीड भी लिख सकते हो, रिक्वायर यक्स। देखो हमें लैंड दिया है तो हमें लीटर ऑफ क्या करना है, यक्स लीटर, लीटर डीजे, डीजे डीजल डबल एस आएगा यहाँ पे, डीजल का अपने एक ही एक्स आएगा, ठीक है। तो डीजल 20 मीटर डीजल में वो क्या कर सकता है, डीजल ओके लीटर डीजल जेड प्लॉन्गिंग 3 एकस लैंड। तो अभी हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे डीजल लिखेंगे लीटर में लिया है और यहाँ पे एकस लिखेंगे एकर्स लैंड, लैंड लिखना है तो लैंड नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमें इक्वेशन बनानी है। सो ये 12 लीटर्स के लीटर के नीचे लीटर लिखो और ये एकर्स के नीचे एकर्स। अभी क्या इंफॉर्मेशन दी है हमने, 19 एकर्स दिया है तो ये इंफॉर्मेशन दी है, नहीं ये नहीं दी है, ये इंफॉर्मेशन दी है। सो अभी डीजल निकालना है, डीजल हमें एक्स आइटम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू 3 19 इन दोनों का 12, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन की है वो हम डिवीजन में लेके जाएंगे, यस 19 इंटू 12 3 वन ज़ा 3 3 4 ज़ा सो एक्स इक्वल्स टू 19 इंटू 4 एक्स इक्वल्स टू कितना है, मल्टीप्लिकेशन करो 19 इंटू 4 करोगे तो आपका आएगा 76। इसको 3 से डिवाइड जाता है, इसको 3 से 3 के टेबल में 1 नंबर पे आता है, 3 के टेबल में 4 नंबर, तो बच्चा कितना है 19 इंटू 4 किया 76। अभी हमारा तो आंसर लिख दो, देयर फॉर 19 एकर्स ऑफ लैंड रिक्वायर्स कितना डीजल, 76 लीटर ऑफ डीजल, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं, काफ़ी इजी टॉपिक है ये, ठीक है। अगर आपको अगेन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, दो बार लाइक मत करो तो लाइक हट जाता है, तो एक ही बार लाइक करो अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है शुगर फैक्ट्री 5376 किलो ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 18 टन ओके ऑफ शुगर के, इफ सविता ताई हैज ग्रोन 50 टन्स ऑफ शुगर के तो हाउ मच शुगर विल इट एट। तो उसको बोला है कि 48 अगर टन्स है तो उसमें 5376 होता है, तो 50 टन अगर प्रोड्यूस अगर सविता ताई ने किया तो उसको कितना टन कितना शुगर उसको मिलेगा वो देखना है हमें, कितना के जी। चल तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे, तो शुगर फैक्ट्री 5376 kg ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 48 tons of sugar cane। तो हमें क्या करना है, इन हमें 50 tons का दिया, 50 tons suppose 50 tons of शुगर केन प्रोड्यूस यक्स केजी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे शुगर केन लिखेंगे, इधर शुगर लिखेंगे, शुगर केन मतलब ऊस, मराठी त्याला ऊस म्हणतात, आणि शुगर म्हणजे साखर, शुगर केजी में है ये और ये टन्स में, तो हमें 48 टन्स के नीचे लिखो टन्स, शुगर केन के नीचे शुगर केन, और जो शुगर है वो यहाँ पे 3 3
5376 और 50 को लिया है, तो 50 टर्न्स के लिए हमें कितना मिलेगा? तो हमने एज्यूम किया है एक्स, भी देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स एक्स इंटू 48 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 50 इंटू 5376। अब ये जो मल्टीप्लाई है वो इधर जाके डिवीजन हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 50 इंटू 5376 डिवाइड बाय 48। अभी इसको भी 2 से डिवाइड जाता है इसको भी, तो ये आधा किया इसका 24 आएगा, इसका आधा किया 25 आएगा। देन देखो इसको 3 से जाता है क्या, देखो ठीक है 4 से भी जाता है ठीक है, तो इसको 4 से जाएगा तो ये 6 आएगा, इसको 4 से जाएगा 4 1 4 डिवाइड करो, ऐसे करो आप, अगर आपको नहीं आता है तो आपको ऐसे करना है। पहले 4 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं ठीक है, डायरेक्टली 24 से आता तो 24 से भी जाता है, डायरेक्ट करके देख सकते हो। सो 1 आया, कैरी हुआ यहाँ पे 1 3 1 हुआ 4 1 हुआ 4 ठीक है, और मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 4 2 2 4 मीन्स 25 ओके, तो मेरा आंसर में आ रहा है यहाँ पे 25 और 224 ये 224 × 25 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 कैरी हुआ 2 10 और 2 12 1 कैरी हुआ 10 और 1 11 8 4 4 0 0 6 5। तो मुझे 50 अगर टन सही तो हमें प्रोडक्शन हो रहा है 5600 का ठीक है, 50 टन देयर फॉर इन 50 टन इन 50 टन ऑफ शुगर केन 50 टन ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस क्या ऑप्टेन, प्रोड्यूस 5006 केजी शुगर, कितना ये कर सकते हैं 5006 केजी शुगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलो। उसके बाद हमें इन ऑर्चर्ड देयर वर 128 मैंगो ट्री, कितने मैंगो ट्री है 128, 8 रोज है, रो मीन्स लाइंस कितने, इफ ऑल द रोज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज मीन्स हर एक रो में अगर इक्वल ट्री है, हाउ मेनी ट्रीज वुड देयर बीन 13 रोज, तो ऐसे अगर 13 रोज हमारे पास और भी है सेम टाइप के ओके, 8 रोज थे तो इतना है, तो 13 रोज के लिए कितना है वो हमें निकालना है। अभी हमें क्यों क्या है 128 मैंगो ट्री इन 8 रोज, अभी हमें देख लिखना है सपोज इन 13 रोज X mango tree भी X कितने हैं, हमें 13 रोज में X हमारे पास है, तो हमें कितना यहाँ पे रोज और यहाँ पे ट्री, कितनी रो है हमारे पास, हमारे पास 8 रोज है, मैंगो ट्री कितने हैं 128, तो हमें 13 रोज हमारे पास है, अभी यहाँ पे रोज दिया है, यहाँ पे मैंगो ट्री नहीं दिया है, तो हमें हमने एज्यूम किया यक्स, तो एज पर हमारे कंडीशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना 8 × 128 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको डिवीजन करना है, इसको डायरेक्टली डिवाइड करोगे आप तो आएगा 1 4 6 एक्स इक्वल टू 13 × 16, तो ये आ जाएगा आपका 13 × 16 16 × 13 8 1 4
ठीक है। तो 13 रोज मैंगो ट्री में होगा, ओके 13 रोज में देयर विल बी 208 मैंगो ट्री इन 13 रोज देयर विल बी 208 मैंगो ट्री। ठीक है, इस तरह से हमारा, ठीक है इस तरह से हमारा ये 7th क्वेश्चन भी हो गया। अभी 8 और 9 दो क्वेश्चन बाकी, सॉरी ये 8 नंबर का था, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा बाकी, तो ये भी फिनिश हो जाए। तो बोला है उसने 1,20,000 लीटर ऑफ वाटर बोला है, ओके इट कॉस्ट 18,000 रुपीज़ टू मेक सच अ पॉन्ड, एक छोटा सा हमें पॉन्ड बनाना है। सो 1,20,000 लीटर जिसमें वाटर की कैपेसिटी है, तो उसके लिए कॉस्ट लगेगा हमें 18,000 रुपीज़। सो हमें अगर 4,80,000 किलोमीटर लीटर का वाटर का अगर टैंक बनाना है तो हमें कितना खर्चा आएगा, ये पूछा है। तो इन्होंने बोला है कि 18,000 खर्चा आता है 1,20,000 पानी का टैंक, 1,20,000 लीटर पानी का टैंक बनाने के लिए। सो हमें क्या करना है, 4,80,000 लीटर का वाटर अगर ये करना है तो उसके लिए खर्चा कितना आएगा। सो सिंपल है, सो पहली जी गिवन जो इन्फॉर्मेशन है 1,20,000 लीटर वाटर on expense yes, so suppose 4,80,000 liter water pond expense be इसका दे दिया है, इसका कितना दे दिया 18,000, ठीक है। अभी हम इसका एज्यूम कर रहे हैं बीएक्स, अभी हमें जो दिया है वाटर लीटर में दिया है, वाटर इन लीटर दिया है, और यहाँ पर दिया है एक्सपेंस, तो वाटर लीटर में दिया दिया है वाटर जो है 1,20,000 लीटर है हमारा, तो हमारा खर्चा उसके लिए 18,000 आएगा। सो अभी हमें देखो क्वेश्चन बड़ा बड़ा अमाउंट है लेकिन इतना बड़ा आंसर नहीं है, इजी आंसर। सो 4,80,000 लीटर के लिए हमें कितना खर्चा आएगा, यस। तो अभी क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 1,20,000 इंटू एक्स करना है और 4,80,000 इंटू 18, ठीक है। ये देखो ये यहाँ से इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये इंटू एक्स है, ठीक है। 4,80,000 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। देखो क्वेश्चन आंसर लग रहा है कि बहुत बड़े कैलकुलेशन आएंगे नहीं, लेकिन बहुत इजी है कैलकुलेशन। तो एक इधर का एक ऊपर का गया नहीं, और एक जीरो गया, और एक जीरो गया, और एक जीरो गया, और एक जीरो गया, सिंपल हो गया, ठीक है। सब जीरो का है, कैंसिल हो गए। ये 12 का टेबल तो आना चाहिए, 12 1 12 12 4 12 के टेबल में चार नंबर पे आता है। तो एक्स इक्वल्स टू कितना है, 4 इंटू ये 4 आया और 18,000। अब इन दोनों को तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई, ठीक है। तो हम 18,000 इंटू 4 करेंगे तो 0 0 0 6 1 कैरी हुआ 30, ओके 3 कैरी हुआ, सॉरी 32 आएगा यहाँ पे, 4 और 3 3 7, तो 72। सो देयर फॉर ये आंसर लिखो यहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू 72,000। तो उसके बाद लिखना है, सो 4,80,000 लीटर्स, 4,80,000 लीटर्स वाटर पॉन्ड एक्सपेंस कितना है 72,000। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो हो गया, ठीक है। तो वीडियो के लिए एक लाइक पक्का करो।
ठीक है, अगर ये समझ में आया तो अपने फ्रेंड लोगों में भी ये शेयर करो, ठीक है, देखने के लिए थैंक यू।